अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना वो आपकी हेल्थ के बारे में है। ये वीडियो जो है शॉर्ट सी वीडियो है, इसमें जो देखने के बाद ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है ना। अच्छा, और स्पेशली जो है ये वीडियो बुढ़ापे के हवाले से है कि जैसे हम सब लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बुढ़ापे के असरात को किस तरह कम कर सकते हैं और बुढ़ापे में भी जवानों की तरह रह सकते हैं। पर बुढ़ापे के हवाले से कुछ फैक्ट्स जो है ना वो आपको देना चाहता हूँ। मैक्सिमम जो है ना इंसान की ज़िंदगी जो है वो 110 से लेकर 120 साल तक होती है ना मोस्टली। अच्छा, बुढ़ापे में ऐसे है कि हमारे जो ना, जब मैं बुढ़ापे का नाम लेता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा मैं, रेगुलर बात भी। हमारा जैसे अब 30 साल की उम्र से लेकर ना 50 साल की उम्र तक ना हमारा जो है ना अपना जो मसल्स होते हैं ना, हमारी ना ताकत, उनमें इतना फर्क नहीं ना पड़ता, यानी कि सेम किस्म की ना ताकत रहती है 30 साल से उम्र से लेकर 50 साल तक में। ये जो ना मसल्स हैं हमारे, बाजुओं के मसल्स, टांगों के मसल्स, वेट उठाने की सलाहियत, मगर ये है कि अपना ना 65 साल की उम्र तक 20 से लेकर ना 40% इसमें कमी आ जाती है उन लोगों में जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, बुढ़ापे में ना, बुढ़ापे में या जो आपकी ज्यादा जो है बाजों में कमजोरी, टांगों में कमजोरी, चलने फिरने की कमजोरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा कि ये जो है ना, ये इसकी एक वजह थोड़ा चलना फिरना है, थोड़ा चलना फिरना है या इनएक्टिविटी। ये वजह, मेन वजह बुढ़ापा नहीं है, उम्र नहीं है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हम ना चलना फिरना कम कर देते हैं। तो बुढ़ापे में हमें जो है ना जो है अपना ना चलना फिरना जो है ना वो नहीं रोकना चाहिए, 30 मिनट आधा घंटा हमें वॉक करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपने सुनी होगी स्ट्रेचिंग, लोग ना स्ट्रेचिंग करते हैं अपना, इसको देख सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मैंने सिंपल सी आपको ना सिखाऊंगा बाद में ना, उसके ना करने से भी ना आपके जो है ना जो मसल्स हैं आपके जिस्म के, उसके अंदर जो है ना एक रहती है एक ना एक उसकी जो उसको उसकी उसको प्रॉपर ना तरीके से काम करने में हेल्प करती है ये चीज ना। अच्छा, ये बात होगी मसल की। अच्छा, अब बात हो रही है बोन्स की। अच्छा, बोन्स भी होती है ना जो बुढ़ापे में हमारी, वो बोन्स जो है ना वो कमजोर हो जाती है, और ना जोड़ भी या ना ज्वाइंट। अच्छा, ज्वाइंट जो होते हैं ना उसके ऊपर वो जो उनकी कमजोरी या उनकी खराबी को रोकने के लिए हड्डियों की और ना जोड़ों की, जो जिनकी वजह से ना दर्द होता है टांग अपना जोड़ों में दर्द होता है, या हड्डियां जो है ना बाद लोगों में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है जब आप बूढ़े होते हैं ना, वो जल्दी ना टूट जाती है, ठीक है। उनको उनके जो है उनकी मजबूती के लिए भी जो है ना, एक तो ये है कि आपको ना चलने फिरने की जरूरत है, यानी अपनी टांगों के ऊपर ना वजन डालने की जरूरत है। वजन डालने का मतलब है कि ना चलना फिरना, अगर आप साइकिल चला रहे हैं या कार पे जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप अपनी टांगों पे वजन नहीं डाल रहे, आपको ना चलते फिरते रहना है। दूसरी बात है कि आपको जो स्टेयर नहीं होती ना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, इससे भी जो है ना इस चीज में हेल्प मिलती है कि आपकी जो है ना बोन्स और जो जॉइंट्स हैं ना उनकी जो है ना उनकी उनको सेहतमंदी को बरकरार रखा जाए। था जो है ना वो कमजोर होता है, तो हमने अपने दिमाग को मसरूफ रखना है, तो उसमें बाज लोग ना शतरंज खेलते हैं, ये आपको ना आपके दिमाग को ना चुस्त करता है, अच्छी चीज है। उसके अलावा जनाब जो है ना कुछ लोग ना पजल्स, देखे ना गेम्स होती हैं कि ना जिसमें ना वर्ड्स बनाते हैं आप ना, एक वो करने से आपका आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव रहेगा ना। और एक्टिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि अच्छी खासी रीडिंग, बुक रीडिंग ना, कि भी आप जो है ना बुक रीडिंग करें, इससे भी आपका जो है ना माइंड जो है ना वो शार्प रहेगा ना। उसके अलावा मजेदार बात, ट्रैवलिंग, बुढ़ापे में ट्रैवलिंग करें, ठीक है, इससे आपको है ना। और बहुत अहम बात, लोगों से मिलना जुलना, सोशल लाइफ, ये जो चीजें ना ट्रैवलिंग कितनी के, आपको पता था ये बात के भी बुढ़ापे में ट्रैवलिंग करने से आप जल्दी बूढ़े नहीं होते, आप जो है लोगों को मिलने जुलने से जल्दी बूढ़े नहीं होते।
ठीक है, किताबें पढ़ने से उससे आपका जो है ना माइंड रहेगा ना फ्रेश। अच्छा, अब आप मैं आखिरी बार बताने लगा बड़ी मजेदार, कि आपको पता है ना बुढ़ापे में लोग ना फिर ना केन इस्तेमाल करते हैं ना छड़ी इस्तेमाल करते हैं इस तरह के काम, क्योंकि वो कमजोर होते रहते हैं, उनका बैलेंस खराब हो जाता है, उनके ना गिरने का खतरा होता है। तो उसके रोकने के लिए क्या करना है जी हमने? उसके रोकने के लिए जनाब आपने ना कुर्सी पे बैठ के उठना बैठना है, इसकी इसकी ना प्रैक्टिस आपको, आप मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, फिर भी ज्यादा से ज्यादा दफा कुर्सी पे बैठ के उठना है, सिट स्टैंड दूंगा। तो ये अब बताएं मुझे, ये जो मैंने इतनी सारी बातें की, ये काम की बातें ना थी ना, तो ये वीडियो देखने के बाद जनाब ये जो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बुढ़ापा जो बुढ़ापा आने की तरफ जा रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, और आप जो है ना लंबे लंबे अरसे तक जवान रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज इसको कीजिएगा सब्सक्राइब मेरे चैनल को भी, और जो है ना जो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। ये जो हौसला अफजाई है ना, ये फिर बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फिर मैं एक्टिव हो जाता हूँ दोबारा नई वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।